आज रामनवमी का पर्व जो है आज पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही गर्व का दिन है, क्योंकि हम उस देश के हैं, उस समाज के हम लोग हैं जहां पर प्रभु श्री राम हमारा जब जन्म होता है और जन्म से लेकर के अंतिम समय तक हमारे साथ में राम राम होता है। हम आज रामचंद्र जी का बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में हमारे हम नहीं पूरा हमारा संगठन, हमारा समाज, पूरा हिंदू समाज जो है श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मना रहा है। हम देखते हैं जब हमें पीड़ा होती है कि लोग हमारे ही राम की लोग निंदा करते हैं, राम पर कटाक्ष करते हैं, ये उनको हम राक्षस प्रकृति के लोग मानते हैं, ऐसी हमारी सोच है। और उसी को उन लोगों को जवाब देने के लिए, राक्षसों को परास्त करने के लिए हम सब लोग आप सबका आह्वान करते हैं कि सारे हिंदू एक होकर के, सारे भेदभाव भूल करके, सारे हिंदू होकर के रामलला के नाम का हम लोग परचम फहराएंगे। और राम नाम को लेकर के हिंदू राष्ट्र की हम लोग जो कल्पना करें हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा। और इसी तरीके से इसी को लेकर के आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल जनपद सीतापुर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में रामलला का जन्मदिवस मना रहे हैं। हम सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और आज का जो कार्यक्रम रहा पक्के पुल के पास महर्षि वाल्मीकि आश्रम से, क्योंकि वाल्मीकि जी के द्वारा ही बताए गए रास्ते पर श्री राम जी ने अपना जीवन यापन किया है, तो आज हम लोगों ने रामलला वाल्मीकि जी के आश्रम से यात्रा शुरू की है और नगर सीतापुर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रामायण पे जो उंगली उठा रहे हैं उनके लिए मैसेज क्या है आपका? उनके लिए मैसेज यही है कि वो अब सतर्क हो जाएं, नहीं तो जो जो हादसा अभी प्रयागराज में हुआ है वही हादसा सारा हिंदू समाज उनके साथ भी करने के लिए। राम नरेश पाल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रांतीय अध्यक्ष।